हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्स अकेडमी। माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे और पुलिस और आपका एसएससी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह नंबर 4 है ये। आई हैव ऑलरेडी 3 वीडियोस हम ऑलरेडी ला चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने उस 3 वीडियो को देखा होगा। बहुत ने स्टूडेंट्सों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। हमने उनके रिस्पॉन्स से बहुत हम मोटिवेट हुए हैं और उसी के कारण आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्विक रिविज़न आपके सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो एफर्ट है वो उन स्टूडेंट्स को भी मिल पाए जो इस टेस्ट सीरीज़ का या फिर ये क्विक रिवीजन का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप उन्हें शेयर कीजिए और उन्हें भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को बोलिए और इस क्विक रिवीजन में अपने आप को जज करने को बोलिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है वो सही दिशा में चल पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, अब अभी का जो समय चल रहा है, अब आपको क्विक रिवीजन का समय है। अब जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा कर चुके हैं। अब आपको ज्ञान को जज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, आपको इसका आंसर बताना है। हम आपको 2 सेकंड का गैप देंगे क्वेश्चन बोलने के बाद, उसके बाद हम आंसर भी करेंगे। अब उसी बीच आपको आंसर करना है। अगर इफ़ यू नो देन यू हैव टू आंसर मी, ओके। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, ललित कला अकादमी की स्थापना जो है वो 1954 में हुई थी। आपको बताना है कहाँ हुई थी, ठीक है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेते हुए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ताकि और भी अच्छे अच्छे टेस्ट हम आपके सामने लेकर आए। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1980। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना जो है वो 1980 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट वन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड्स, भारत भवन कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है भोपाल। आपको बताना है भोपाल कौन से स्टेट की राजधानी है। नेक्स्ट वन, भारतीय संगीत आधारित है, किस पर आधारित है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है राग और ताल पर। भारतीय संगीत जो है वो राग और ताल पर आधारित है। शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग किन्हें कहा जाता है? फ्रेंड्स, शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग जो है वो अलाप को कहा जाता है, ठीक है, अलाप। वीणा और वायलिन तथा गिटार में तारों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, वीणा में 7 होता है, वायलिन में 4 होता है और गिटार में 6 होता है। मतलब 7, 4 और 6, क्रमशः 7, 4 और 6 होता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है, कहाँ स्थित है ये? फ्रेंड्स, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड्स, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो मुंबई में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? कमेंट कीजिए, उत्तर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम हो तो, और अपने आप को जज कीजिए, अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्विक रिवीजन में, टेस्ट में, हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, ताकि पढ़ाई आपकी सही दिशा में चल पाए। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो न्यू दिल्ली में है और भारतीय संग्रहालय जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? कथकली और मोहिनी अट्टम जो है वो केरला राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि केरला राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों को छूती है, उनकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, ठीक है। आंसर कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आंसर कीजिए। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है?
आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को टच करती है। उत्तर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट सेक्शन में उत्तर करते हो, तो उत्तर पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको लाइक भी देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, भरतनाट्यम शास्त्र नृत्य है वो बताना है कि कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, डांस है, ठीक है, भरतनाट्यम। फ्रेंड्स इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को भी बताना है कि कितने राज्यों को टच करती है, ठीक है, और कौन इसकी राजधानी क्या है। नेक्स्ट वन, ओडिसी मुख्य शास्त्रीय नृत्य है कौन से स्टेट की। फ्रेंड्स इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, ठीक है। 15 नंबर है, यक्षगान करगा कुनीता प्रमुख लोक नृत्य है कौन से स्टेट की। कर्नाटका, कर्नाटका का ये लोक नृत्य है। मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि आप बताइए कितने राज्यों की सीमा को छूता है, ये आपको खुद बताना है और इसकी राजधानी बताना है, ठीक है। तो उत्तर कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर से जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का। फ्रेंड कथक जो है वो उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का है शास्त्रीय नृत्य। राग यमन, राग भूपाली और राग विहाग का संबंध जो है वो किससे है। फ्रेंड्स इसका संबंध जो है वो है रात्रि के प्रथम पहर से, रात्रि के प्रथम पहर से इनका संबंध है। प्रातःकाल की ताजगी का राग क्या है। प्रातःकाल की ताजगी का राग जो है वो है राग भैरवी, राग भैरवी। नेक्स्ट वन, रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग कौन सा है। फ्रेंड्स रात्रि के द्वितीय पहर में जो गाया जाने वाला राग है वो है राग देश। हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक हैं, मतलब क्या चीज बनाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं। फ्रेंड्स तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बजाते हैं बांसुरी। नेक्स्ट वन, बिस्मिल्ला खां तथा अल्लाह रखा खां का संबंध कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट से है, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं। तो फ्रेंड्स बिस्मिल्ला खां का जो संबंध है वो है आपका शहनाई से और अल्लाह रखा खां का जो संबंध है वो है तबला से, ठीक है। वैसा वाद्य यंत्र जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है। फ्रेंड्स इसका आंसर है बांसुरी, ठीक है, बांसुरी से हम सभी प्रकार का राग हम बजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला कौन सा है। फ्रेंड्स अजंता एलोरा में, महाराष्ट्र में जो अवस्थित है, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से वाद्य यंत्र से है। तो फ्रेंड्स पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वह है संतूर से। नेक्स्ट वन, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। फ्रेंड्स सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वह है आपका बांसुरी, वीणा। वीणा जो है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट वन, बिहू ओनम तथा पोंगल प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का, कौन से स्टेट का ये प्रसिद्ध त्यौहार है। तो फ्रेंड्स बिहू जो है वो असम का है, ओनम जो है वो आपका केरला का है और पोंगल जो है वो आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। बिहू असम का, ओनम जो है वो केरला का और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का, ठीक है। बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। फ्रेंड्स बिहार राज्य का छठ पूजा है और पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है, ठीक है। बिहार राज्य में छठ पूजा बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। फ्रेंड्स झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार जो है वो है सरहुल, ठीक है, जो जनजातियों का होता है, जनजातियों का उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है सरहुल। लावणी तमाशा और कोली प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिए, आंसर कीजिए, अपने आप को जज करिए। लावणी तमाशा और कोली जो है वो आपका महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। घूमर कठपुतली पनिहारी गिद्दर प्रमुख लोक नृत्य है कौन से स्टेट का।
इसका उत्तर है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा, डांडिया, रास, रासलीला प्रमुख लोक नृत्य है कौन से स्टेट का? फ्रेंड्स इसका उत्तर है गुजरात। ठीक है, तो गरबा, डांडिया रास और रासलीला गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है वो है, जात्रा, बाउल, काठी, कीर्तन मुख्य लोक नृत्य है कहाँ का? पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल का ये लोक नृत्य है। फ्रेंड्स हम स्टेट का नाम ले रहे हैं, आपको राजधानी बताना है। हम राजधानी का नाम ले रहे हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेट की राजधानी है। ठीक है, उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागरा, गिद्धा, धामन, सांग प्रमुख लोक नृत्य है कौन से स्टेट का? पंजाब या हरियाणा। भागरा, गिद्धा, धामन, सांग जो है वो पंजाब या हरियाणा का लोक नृत्य है। ठीक है, दोनों स्टेट का है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है मेहरौली दिल्ली में जो अवस्थित है वो सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना है या शैपल है। ठीक है, कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का विधेश्वर मंदिर श्रेष्ठ उदाहरण है, कौन से शैली का उदाहरण है ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो मंदिर का नाम लिया जा रहा है, कांचीपुरम, एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का विधेश्वर मंदिर कौन से शैली का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये है आपका द्रविड़ शैली का उदाहरण है। द्रविड़ शैली कौन कहाँ की शैली है वो आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर तथा खजुराहो का मंदिर उदाहरण है कौन से शैली का? फ्रेंड्स इसका उत्तर है नागर शैली का। ठीक है, तो भुवनेश्वर तथा का मुक्तेश्वर मंदिर और खजुराहो का मंदिर जो है वो नागर शैली का उदाहरण है। फ्रेंड्स हम इतना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एडिशनल नॉलेज के लिए हम पूछ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि मैम तो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रही है। ठीक है, जो देखिए इसे ही बोलते हैं को रिलेटेड स्टडीज़। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका तो उत्तर हम बता रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसका वो क्वेश्चन हम एराइज कर रहे हैं आपके सामने और हम आपके पूछ रहे हैं आपसे, ताकि आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताओ, ताकि हम जान पाए कि आपको इससे को रिलेटेड स्टडीज़ भी आपने कर रखा है और आपको आता है। ठीक है, और नहीं आता है तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन हम एराइज कर रहे हैं, अगर इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन आस्क इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, फिर मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर से ज़रूर बताऊँगी फ्रेंड्स कि आखिर में जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुक कानूर का कालेश्वर मंदिर तथा लमकुड़ी का जैन मंदिर श्रेष्ठ उदाहरण है कौन से शैली का? तो फ्रेंड्स ये जो उदाहरण है वो है बेसर शैली का उदाहरण है, बेसर शैली। ठीक है, न्यू दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था किसने, किसने तैयार करा था? तो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली का डिजाइन जो है वो लॉर्ड एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किसने किया था? फ्रेंड्स चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो ली कार्बूजियर जो फ्रांसीसी थे उन्होंने तैयार किया था। तो किनके द्वारा किया गया है चंडीगढ़? ली कार्बूजियर जो कि एक फ्रांसीसी थे उसने डिजाइन किया था चंडीगढ़ का नक्शा। ठीक है, मतलब उनका जो चित्र है वो उसी ने तैयार किया था, एक फ्रांसीसी थे वो। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किन पर आधारित है, कौन से शैली पर आधारित है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद पीसीएस में पूछा गया था या फिर आपके यूपी पुलिस वाले एग्जाम में पूछा गया था कि बनी ठनी आधारित है कौन से शैली पर। तो फ्रेंड्स बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। सरोद बजाया जाता है किसके द्वारा बजाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बजाया जाता है बिजराव के द्वारा सरोद बजाया जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और हमें मोटिवेट करें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हमेशा की तरह हम यही बोलते आए हैं कि उन ज़रूरतमंद बच्चों को स्टूडेंट तक भी पहुंच पाए हमारा वीडियो और वे इस क्विक रिवीजन और हमारे टेस्ट का पूरा पूरा लाभ उठा सके। और फ्रेंड्स आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए इस टेस्ट में, इस क्विक रिवीजन में। ठीक है, और किसी प्रकार का सुझाव हो या फिर और भी कोई बात हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।